शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कर्नल साहब, जरा देखिए तो सही कौन आया है। अरे टॉमी, टॉमी मेरे बेटे। अरे टॉमी कहाँ चला गया था तू? अरे समीर, तुम्हें ही कहाँ से मिला? बेचारा एक पुलिया के नीचे बैठा था, कांप रहा था, हमेशा मुझे देख के भौंका करता था, लेकिन इस बार करके मेरे पैर पकड़ लिए इसने। मुझे लगा मुझसे ये कह रहा है कि प्लीज मुझे मेरे पापा के पास ले चलो। पापा? आप पापा? अरे हाँ, हमारे बेटे जैसा ही तो है। टॉमी, थैंक यू समीर, थैंक यू सो मच पापा। समीर की वजह से तो आज टॉमी घर आया है, अब तो माफ कर दो ना इसे। हाँ हाँ, माफ कर दिया, माफ कर दिया। रमा चलो खाना वाना लगाओ, चलो चलो। अरे बच्चे, टॉमी तू किधर चला गया? ये क्या हो रहा है? सनी देखो ना, समीर की वजह से टॉमी आज घर आ गया। वेल डन समीर, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। मेरी आंखों में तो देख मेरे भाई। बता ये कुत्ता मिला कहाँ तुझे? कहाँ मिला? मैं भी ढूंढ ढूंढ के थक गया। तुझे रानी की कसम भाई, मेरी आंखों में देख, कुत्ता कहाँ मिला तुझे बता। सनी बेटा देखो ना, पता नहीं मेरे टॉमी को क्या हो गया है। जब से वापस आया है गैरों की तरह बर्ताव कर रहा है, बदला बदला सा लगता है। गली के गंदे कुत्तों के साथ रह के आया है। और लो बाबूजी, मिल गया इलाज, इसे ठंडे पानी के साथ निचोड़ के नहला दो। हाँ, क्या करके नहला दूं? रगड़ रगड़ के नहला दो। ओ हाँ हाँ हाँ, ब्रेकफास्ट इज रेडी, आइए बैठिए। धोना नहीं है टॉमी को? नहीं नहीं नहीं, मैं पहले टॉमी को नहलाऊंगा, बाद में नाश्ता करूंगा। पापा नाश्ता ठंडा हो जाएगा। नहीं बेटा, मैं अभी आता हूँ। आओ टॉमी, हम नाई नहीं करेंगे। अब वो समीर का है, सनी जाके समीर को बुला लाओ ना प्लीज। मैं नहीं जा रहा उसके पास, वैसे भी वो लेट उठता रानी, खामखा मार वार देगा मुझे। एक काम करो ना, तुम चली जाओ ना। अच्छा मैं बुला के लाती हूँ। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। समीर? कौन? समीर सो रहे हो क्या? उठो ना। ए सनी, आवाज बदल के परेशान मत कर मुझे, सोने दे। समीर, रानी एक सेकेंड, अभी आया। उठो, तुम कौन हो? हाँ, तुम कौन हो? बिजली। अरे तुम कौन हो? रानी बाबा। हाँ रानी, दो सेकंड दो, मुझे अभी आ रहा हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या? अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? सो रही थी तुम्हारे साथ, मैं तो तुम्हें ब्रेकफास्ट के लिए लेने आई थी। रानी मैंने कुछ नहीं बना, दो सेकंड में आ रहा हूँ मैं। तुम जाओ यहाँ से। कहाँ? मैं आऊँ क्या? जा 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 जा। ये तो दो। ये क्या? वो। अरे वो क्या? वो ही। वो यार। आओ। आओ। हाँ आती हूँ आती हूँ। समीर समीर। आओ। हे राम। सॉरी रानी। देखो रानी, जो तुम सोच रही बिल्कुल गलत सोच रही हो। और जो मैं देख रही हूँ वो क्या? ये मेरा नहीं है, ये इसका है। तू पहनो। तो रानी मैंने कोई गलत नहीं किया है, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। तू ना, मैं तुझे देख लूंगा। रानी तुम्हारी कसम, रानी मैं उस लड़की को नहीं जानता हूँ। एक अनजान लड़की के साथ तुम? रानी तुम्हारी सर की कसम, मैं उसे जानता तक नहीं। ना जान ना पहचान, तुम किसी भी लड़की को बुला लोगे? सुनो मेरी बात सुनो प्लीज। पहले तो तुम सिर्फ लड़की को जानते थे, अब तुम इस घर में भी घुसा लिया। रानी दिस इज टू मच, मेरी बात तो सुनो। गुड मॉर्निंग बॉस। बॉस? ये लड़की, बॉस की बात सुनाई नहीं दे रही तुझे? हाँ, जो बॉस बोल रहा है वही कर समझे। हाँ, वरना ईगल गैंग पकड़ कर तुझे बॉस के सामने पेश कर देगा। हाँ? अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? बॉस हुक्म करो। ए, किसी कुछ मजाल जो बॉस कुछ कह दे। बॉस जो कुछ भी करना यही करो, सड़क पे इसके साथ पकड़ लो, पकड़ लो, पकड़ लो, पकड़ लो। अरे डर मत, नहीं पकड़ो। बस यही कसर बची थी,
नहीं, बदतमीज तुम, नहीं शराबी तुम, नहीं लड़की बाज तुम, नहीं और इतनी जल्दी निकल गए कि लीडर भी बन गए। नहीं हूं लीडर। शेम ऑन यू समीर। अरे फगेट है बॉस, एक से एक चिकनी पड़ ली है गोवा में, जिस पे भी उंगली डालोगे ना अगले दिन आपकी बाहों में। हाँ जगह जगह अपन का राज चलता है, आप हुक्म करो बॉस। रानी, रानी ठंडे ठंडे पानी से नहा के हमारा टॉमी एकदम सुंदर हो जाएगा, एकदम से अच्छा हो जाएगा। वो गंदे कुत्ते हैं ना उधर मोहल्ले में, उनके साथ मत खेलना तुम। हाँ देखो कितने गंदे हो गए तुम, शाबाश। बहुत बीबा बेटा है हमारा, बहुत बीबा बेटा है, शाबाश शाबाश। अरे ये क्या काला रंग, मतलब ये मेरा टॉमी नहीं है? ए, 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 जंगली कुत्ता है क्या? अरे 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 रमा, एक कुत्ते ने मुझे काट दिया। रमा रमा, ये हमारा टॉमी नहीं है। रमा ये डुप्लीकेट टॉमी है, जंगली कुत्ता है। समीर ने हमारे हाथों में जंगली कुत्ता थमा दिया। Oh my God, मैं उसे नहला रहा था, उसका सारा काला रंग निकल आया। ये देखो, ये समीर के बच्चे को मैं छोड़ूंगा नहीं। उल्लू के पट्टे ने मुझे कुत्ते से कटवा दिया। हे राम, ये आदमी है कसाई है, मार मार के थक गया, इन्हें अब कुत्तों से कटवा रहा है। बुजुर्गों की इज्जत नहीं करता। 14 इंजेक्शन लगेंगे इन्हें पेट में। चलिए पहला लगवा लीजिए, जाओ जाओ जल्दी, चलिए चलिए, छोटे छोटे लगवाऊंगा इनके पेट में। अरे 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 अरे, रुक रुक रुक। ओहो, ओ खटारा। 40 रुपए मैडम। ये लो, ये तो 20 है। अरे हर सीनियर सिटीजन को 50% डिस्काउंट मिलता है, चाहे रेलवे से जा या बस से जाओ। और ये तेरा रिक्शा तो खटारा है। ए दादी, ए दादी आई, दादी आ गई, दादी आ गई। हाँ यार, इस बच्चे की उम्र तो देखो, मुझे दादी बुला रहा है। समीर, समीर बेटा। नहीं दादी, समीर को मत बुला, समीर बहुत खराब है। क्यों? वो कल मेरा ना चॉकलेट लेके भाग गया था, आज है ना मैं तुम्हारा चश्मा लेके भागूंगा। मेरा चश्मा नहीं, नहीं मैं भागूंगा, तुम पीछे पीछे आओ। क्या हो रहा है? देखिए इस 60 साल के बुड्ढे को जरा समझाइए प्लीज। जी, ये मेरे पति हैं। क्या? नहीं मैं इनका बेटा हूँ। हाँ ये मेरी पाली पाली मम्मी है। मम्मी दादी को बोलो ना चॉकलेट ला के दे, बहुत कंजूस है। मेरे प्यारे बेटे, लो मेरा चश्मा दे दे। मगर एक शर्त पे। वो क्या? अपन क्रिकेट खेलेंगे। अरे मुझे वैसे ही नजर नहीं आ रहा है। मैं इसको बॉल की तरह फेंकूंगा, तुम उल के कैच पकड़ना। नहीं आ रहा। रानी का पूरा खानदान मुझसे नफरत करता है, यहां तक कि उसका कुत्ता टॉमी भी। दादी, ये आपके पोते की प्रेम कथा है, अब आप ही मुझे बताओ मैं क्या करूं। मेरे बच्चे, तू चिंता क्यों करता है? अब मैं आ गई हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। बस तू लड़की मुझे दिखा दे, मैं खुद जाके बात करूंगी। अच्छा आ जाओ, दिखाता हूं। मेरे बच्चे। दादी वो रही रानी। कहाँ है बेटा? वो दादी सामने तो खड़ी है। हाँ। है ना खूबसूरत? बहुत खूबसूरत है, मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। बेटा तू ऑफिस जा और अपना काम कर, मैं उसके घर जाकर खुद बात करूंगी। ओके दादी, बाय। बाय बच्चे। बेटी। जी माँ जी, मैं यहाँ हूँ। ओह, अरे तुमने मेरे समीर पर क्या जादू कर दिया है? जी अरे वो तो तुम्हारे प्यार में पागल हो गया है, उठते बैठते सोते जागते
बस तुम्हारी ही बातें करता है। ये आप क्या कह रही है? आप अच्छी तरह से जानती है कि कर्नल। बेटी मैं जानती हूँ कर्नल समीर से बहुत नाराज है। बेटी एक बार तो शादी के लिए राजी हो जा, कर्नल को तुम दोनों के बीच से हटना ही होगा। बेटी तुम डरना नहीं, अगर तुम समीर से प्यार करती हो तो कर्नल तो क्या, दुनिया की कोई भी ताकत तुम दोनों को अलग नहीं कर सकती। समीर और रमा हा? मेरा बेटा दुनिया की वो खुशियां देगा जो कर्नल नहीं दे सका। तुम्हें कर्नल से डर लगता है तो मैं तुम दोनों को भगा के ले जाऊंगी। समीर अभी तक आया नहीं, पता नहीं क्या बात है। आ जाएगा। आ जाएंगे दादी माँ। लो आ दादी। समीर दादी बात होगी दादी? हाँ बेटा बात हो गई। वेरी गुड, रानी मान गई? रानी मान गई। अच्छा अब तू उसकी माँ से बात कर ले और वो कर्नल को मनाएगी। हाँ उसके बाद 11 रुपए प्रसाद चढ़ा देंगे, कथा समाप्त। दादी ये क्या? दादी ये पानी है, कॉफी ये रही। अरे बेटा जब से ये चश्मा टूटा है ना मुझे तो कुछ भी नजर नहीं आता। दादी फिर आपने रानी से कैसे बात की होगी? अरे बेटा मुँह से बोला जाता है, आँखों से थोड़ी, और फिर तेरी पसंद तो अच्छी होगी। जी दादी दादी हाँ? ये कितनी उंगलियां हैं? 4, 3, 2, 1। अरे बेटा अभी मैं पूरी तरह अंधी नहीं हुई हूँ, थोड़ा बहुत नजर आता है। और तू चिंता क्यों करता है, जा रानी की माँ से बात कर ले। समीर चलिए माँ जी। हाँ मैं आपका ये चश्मा बनवा देती हूँ। अच्छा बस कुछ ही समय में हम आपकी ससुराल पहुँचने वाले हैं। लो पहुँच गए। जय कर्नल जुगराज सिंह। ये क्या है? अरे सेंट पीटर चर्च से होली वाटर लेकर आया हूँ। जाओ ना ही आपके होने वाले ससुर घर पर हैं और ना ही आपकी होने वाली धर्मपत्नी जी हैं। जाओ सीधे सुंदर सी सासू माँ से बात करो। वो मेरी बात सुनेगी ना? हाँ हाँ अंदर जाकर कुंडी जरूर लगा देना। कुंडी क्यों बंद करूँ? अरे नहीं इससे ना ही वो बाहर जाएंगी ना ही तुम्हें बाहर निकाल पाएंगी। बात समाप्त होते ही कुंडी खोल देना, साधारण सी बात है। हाँ हाँ जाओ हम हैं। ये लगाई कुंडी। समीर तुम ये कुंडी क्यों बंद कर रहे हो? ताकि आप मुझे घर से बाहर ना निकाल सकें और आप खुद भी घर से बाहर ना जा सकें। इस यमदूत को भी अभी आना था। देखो समीर तुम जो कुछ कर रहे हो ना गलत कर रहे हो। प्यार करना कोई गलत है? मैं आपसे पूछता हूँ कि आपने कभी प्यार नहीं किया? किया है ना? नहीं। तो फिर मेरे प्यार पे इतनी पाबंदियां क्यों? देखो समीर तुम। समीर समीर कहाँ है? आपकी मिसेज के साथ अंदर। क्या? आप अंदर नहीं जा सकते जब तक समीर का काम ना हो जाए। जब तक समीर का काम ना हो जाए। मुझे एक मौका दीजिए, मेरे पास प्यार में देने के लिए बहुत कुछ है। मैं तुम्हारे हाथ छोड़ती हूँ समीर, प्लीज इस वक्त यहाँ से चले जाओ। नहीं जब तक आप हाँ नहीं कह देंगी मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। अरे 2 मिनट का ही तो काम है कर्नल साहब, कर लेने दो ना। देखता हूँ क्या कर रहा है वो। कर्नल साहब। अरे लेकिन आप इतनी घबरा क्यों रही हैं? जब दादी बात कर चुकी हैं, कर्नल तो सिर्फ आर्मी में कर्नल थे, आप इस घर की कर्नल हैं। अगर आपने हाँ कह दिया तो कर्नल भला क्या कर सकते हैं? समीर प्लीज फॉर गॉड से मेरा पल्लू छोड़ दो। अरे जो हो रहा है होने दीजिए चुपचाप, कहीं जवानी के जोश में भाग गए तो इज्जत किसकी जाएगी, बदनामी किसकी होगी? आप दफा हो जाए यहाँ से। For God's sake, समीर। आपकी साड़ी अटक गई है। फिक्र मत कीजिए मैं आपकी साड़ी निकाल देता हूँ। रमा रमा। हेलो कर्नल साहब। लो दुशासन को देख लो। आ!